हाँ भैया, आपकी तारा सब कुछ जानती है। उस रात मैंने आप दोनों की बातें सुन ली थी। भगवान राहुल को तारा के हाथ से छीन भी लेता तो भगवान की मर्जी थी। मगर मेरे कहने पर राहुल का खून करवाया और वो एक हत्या थे, 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 वो एक हत्या थे। मैं तुम्हारा दोषी हूं। नहीं भैया, आप मेरे दोषी नहीं हो। जो पश्चाताप की आग आपके दिल में जल रही है, उसी में आपके सारे दोष जल गए। अरे, इतने सालों बाद मुझे मेरा भाई मिला है, उसका प्यार मिला, आशीर्वाद मिला है। मैं वो सब नहीं खोना चाहती भैया। अरे, जिस भाई के हाथ पर राखी बांधने की हर साल मैंने कामना की है, उस भाई के हाथ में हथकड़ी कैसे देख सकती हूँ भैया? तारा, तुम अपने भाई को माफ कर दे। भैया, माफी? माफी तो उसे दी जाती है जो कोई गलती करता है। आपने कोई गलती नहीं की राहुल, वो तो मेरे कभी थे ही नहीं। वो बस इस परिवार का गुनहगार था, और आपने आपने तो एक गुनहगार को उसकी सजा दे दी है। सजा देने वाला खुद गुनहगार कैसे हो सकता है? तारा, तुमने आज सिर्फ अपने भैया को ही नहीं, मुझे भी एक नई जिंदगी दी है। अपने दिल पर ये बहुत भारी बोझ उठा रखा था मैं, लेकिन तुमने आज अतीत के इस बोझ से मुझे आजाद कर दिया। इनफ दीदी, 26 घंटे 26 दिनों में तब्दील हो गए, लेकिन मेरा बेटा अभी भी आप ही के पास है। उर्वशी, तुम मेरी बात तो सुनो। नहीं दीदी, क्या सुनूं और क्यों सुनूं मैं? मेरे सब्र का बांध टूट रहा है दीदी, और देखिए कहीं ऐसा ना हो कि करण यहाँ वापस ना आए और मुझे वहां पर आना पड़े। दीदी, तुम मेरी बात समझने की कोई, अगर 26 घंटों के अंदर मेरा करण वापस मेरे पास नहीं आया ना, तो मैं वहां आकर धमकियां देना बंद कीजिए। मॉम, आप यहाँ पे आना चाहती है ना, आ जाइए। सच्चाई बताना चाहती हैं, बता दीजिए, लेकिन आपको सच्चाई की कीमत चुकानी पड़ेगी। आप अपना बेटा हमेशा के लिए खो देंगे। करण, करण, ये क्या कह रहा है बेटा? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप ये बात मुझे कहने के लिए मजबूर कर रही हैं। ये बात आप भूल कैसे सकती हैं कि आपकी बहन ने आपकी उजड़ी हुई गोद भरी थी, और आज जब इन्होंने अपना बेटा खोया, इन्हें मेरी जरूरत है, तो आप इतनी सेल्फिश क्यों बन रही हैं? देखिए, मैं बात मानता हूं कि इन्होंने आपसे वादा किया था कि ये मुझे यहाँ पे सिर्फ 26 घंटों के लिए बुलाना चाहती हैं, लेकिन हालात की वजह से वो वादा तोड़ना पड़ा। इसमें इनकी तो कोई गलती नहीं, और ये वादा इन्होंने नहीं, मैंने तोड़ा, क्योंकि मेरे अपनों के दुख ने मेरे कदम बांध लिए थे। लेकिन करण, नहीं मां, आप कुछ नहीं सोच लीजिए। आप क्या चाहते हैं? आपका बेटा जो फर्ज निभाकर आपके पास लौट आएगा, या फिर आपकी जिद जिसके वजह से आप अपना बेटा खो देंगे? करण, अपनी माँ से इस तरह बात करके आपको बहुत बुरा लग रहा होगा ना? देखिए, आप हमारे लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए मैं और मम्मी जी आपका एहसान कभी नहीं भूल सकेंगे। जी नहीं, अपने अपनों पर कभी एहसान नहीं करते, सिर्फ अपना फर्ज निभाते हैं।
और इस बात की इंस्पिरेशन मुझे आपसे ही मिली। अपने पति की मौत के बाद भी सिर्फ इस घर की खुशियों के लिए आपने और माँ ने अपने दिल पर पत्थर रखकर किसी को कुछ भी नहीं बताया। I respect you for that। और मैं इस घर की खुशियों को बरकरार रखने के लिए सिर्फ आपकी मदद कर रहा हूं। नैन साहब आपकी कॉफी। हेलो। हाँ एक मिनट मैडम आपका फोन। हेलो। तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए सुंदरी। देखो निहारिका तुम आवाज बदल कर मुझे डराने की कोशिश मत करना, समझी ना? कौन बोल रहा है? तुम्हारी मौत सुंदरी, अच्छी तरह पहचान कर लो अपनी मौत से। बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। अरे अरे अरे, कहीं कॉफी तो नहीं पीना तुमने? कॉफी में जहर मिला हुआ है सुंदरी। कितनी पागल औरत है, हर वक्त हमेशा दुश्मनों से घिरी रहती है। कौन सा दुश्मन कब किस वक्त क्या वार कर जाए पता भी नहीं चलेगा। इतनी अकुलमंद होती तो कॉफी को हाथ भी नहीं लगाती। अरे ये क्या कर दिया, कॉफी क्यों गिरा दी? कॉफी में जहर नहीं मिला हुआ था सुंदरी। क्या हुआ, चेहरा कैसे सफेद पड़ गया? कॉफी गिरा दी, फोन फेंक। ओ लगता है दुश्मन ने फिर से तीखे वार कर दिए। सुंदरी अब तो मुझ पर शक करना बंद कर दे। देख मैं तो तुम्हारे सामने ही बैठी थी ना, और कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी शक वाली नजरें तो मुझ पर टिक कर रह जाए। तुम्हारा दुश्मन चुपचाप तुम्हारा काम तमाम कर जाए। टेक केयर हाँ सुंदरी, टेक केयर। नहीं तो फिर और कौन मेरी जान लेना चाहता है, कौन है वो? कैसी रही? बहुत बढ़िया। हाय काजल। आप अंतरिक्ष? आप कब आए? बस अभी आया। जब से हमारी शादी हुई है तो पहली बार मैं तुमसे इतने दिनों के लिए दूर गया था, तुम्हें अकेला छोड़कर। तुमने मुझे मिस तो किया होगा ना? नहीं ऐसी कोई बात नहीं अंतरिक्ष, घर में सब थे ना। लेकिन मैं तो नहीं था। तुम भी कमाल करती हो काजल, मुझे ऐसा लगा था कि मैं इतने दिनों के बाद तुमसे मिलूंगा तो तुम मुझसे ढेर सारी शिकायतें करोगी, मुझसे कहोगी कि आप इतने दिनों के लिए मुझे छोड़कर चले गए, मैंने आपको इतना मिस किया। लेकिन तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी याद तक नहीं आई। ठीक कहा आपने, मुझे आपकी याद बिल्कुल नहीं आई। नाराज मत होइए, याद तो उनको किया जाता है जिनको भुलाया जाए। आप तो हमेशा मेरे दिल में हैं। बहुत अच्छा तरीका है। अक्सर पत्नियां अपने पतियों को ऐसी बातें करके बेवकूफ बनाती हैं, और तो और वो बन भी जाते हैं। So sorry। अच्छा बताइए आपकी ट्रिप कैसी थी? ट्रिप तो बहुत अच्छी थी। अच्छा
ये मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया। क्या है? खोल कर तो देखो। कंगन कितने प्यारे हैं और डायमंड्स भी काफी चमक रहे हैं। डायमंड्स? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि इसमें डायमंड्स लगे? वो आप मेरे लिए इतने प्यार से कोई तोहफा लाएंगे तो डायमंड ही लाएंगे ना। और वैसे भी अंतरिक्ष राजादा अगर अपनी पत्नी के लिए कुछ लाएगा तो वो यकीनन डायमंड ही होगा। वेरी स्मार्ट। अच्छा ठीक है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं कॉफी लाती हूँ। तो आपका ही न्यूज़पेपर है और एक क्रॉसवर्ड। ये क्रॉसवर्ड किसने किया? ये लीजिए काजल। ये न्यूज़पेपर यहाँ पर क्या कर रहा है? तुम तो वो कौन सी डेट का है? आज की डेट का है। लो ये न्यूज़पेपर यहाँ है और कविता माँ इसे पूरे घर में ढूंढ रही है। अब मुझे अंधी को क्या पता अंतरिक्ष कि ये न्यूज़पेपर हमारे कमरे में, वरना मैं दे आती ना। अभी रघु काका को भेजती हूँ। अच्छा मैं सुंदरी माँ से मिलकर आता हूँ। कॉफ़ी नहीं पियेंगे? नहीं मैं आकर पीता हूँ। रिमेम्बर काजल दैट यू आर ब्लाइंड, अंधी हो तुम। इज दैट क्लियर विद यू? क्या बात है माँ? आप नीचे क्यों बैठी हैं? क्या हुआ माँ? माँ क्या बात है आप? आपको क्या हो गया माँ? आप मुझे क्यों नहीं पहचान रही? मैं हूँ अंतरिक्ष। माँ मैं हूँ अंतरिक्ष। मुझे मार देंगे, वो मुझे मार डालेंगे। आपको किससे इतना डर लग रहा है? कौन मार डालेगा आपको? आप घबराइए मत, मैं हूं ना आपके साथ। आप उठिए, आइए मेरे साथ, उठिए ना। आप आ गए? क्या बात है, क्या हुआ? काजल पता नहीं माँ को क्या हो गया। एक्चुअली अंतरिक्ष मैं भी आपसे यही बात करने वाली थी। मैं देख तो नहीं सकती लेकिन महसूस तो कर सकती हूँ। पिछले 15 दिनों से पता नहीं माँ को क्या हो गया है, एकदम डरी डरी सी रहने लगी है। आंखें होती तो उनकी परेशानी को समझ पाती, अब आप आ गए हैं तो शायद उन्हें थोड़ी सी तसल्ली हो जाए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उन्हें किस बात का डर है, किससे डर लग रहा है उन्हें? यही तो पता नहीं अंतरिक्ष, भगवान जाने। बस यही कहती है कि कोई मेरी जान ले लेगा, कोई मुझे मार देगा, कोई मेरा दुश्मन है। अब आप ही बताइए अंतरिक्ष, अपने ही घर में भला उनकी जान का दुश्मन कौन हो सकता है? मुझे तो लगता है कि इस सब के पीछे निहारिका की कुछ चाल है। निहारिका? नहीं नहीं, निहारिका कैसे हो सकती है? मेरा मतलब है कि निहारिका माँ की जान क्यों लेना चाहेगी? वो तो अच्छी है ना? क्या बताऊँ तुम्हें काजल, कि निहारिका अपना बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। क्या सोचने लगे? देखिए जो भी सोचना है बस ये सोचिए कि माँ को कौन से डॉक्टर के पास ले जाना है। प्लीज अंतरिक्ष, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष।
अंतरिक्ष निहारिका पे शक क्यों कर रहा है? निहारिका, मेरी माँ के खिलाफ क्या साजिश रच रही हो तुम? हाँ, देखा तुमने मेरी माँ की क्या हालत हो गई? हालत तो काफी खराब हो गई, काफी कमजोर भी हो गई है, डरी डरी सी लगती है। बहुत अजीब लगता है देखकर कि आज तक सबको डरा कर रखने वाली की हालत आज खुद ऐसी हो गई है। तुम ना रिलैक्स अंतरिक्ष, और मेरे कमरे में आकर अपने गुस्से पर जरा काबू रखा, क्योंकि तुम जानते हो कि अगर रुद्र को पता चल गया कि तुमने मेरे साथ बदतमीजी की है तो खैर जाने दो। अभी तुम इतने परेशान खुद ही हो, मैं तुम्हें और परेशान क्यों करूं? एक सलाह देती हूँ अंतरिक्ष, अपनी माँ को ना पागल खाने में एडमिट करवा दो। आधी पागल तो वो हो ही गई हैं और आगे भी हालत और बुरी ही होने वाली है। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें क्या कर लोगे तुम अंतरिक्ष? वो तो तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो तो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अंतरिक्ष, जस्ट गेट लॉस्ट पास्ट। और अगर इतनी फिक्र है अपनी माँ की तो जाकर पता क्यों नहीं लगाते कि उनकी हालत क्यों हुई है? पता तो मैं लगा लूंगा, पता तो मैं लगा लूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, अब मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरी पत्नी काजल भी है। बेचारा अंतरिक्ष, अपनी माँ की हालत देखकर कैसे बॉक्स में आ गया। अब मैं क्या बताती हूँ उस बेचारे कि जिन बातों का दोष भी मुझे भी नहीं आया था, उसकी जिम्मेदार तो खुद उसकी बीवी काजल। अब देखना निहारिका तुम्हारे साथ अपना हिसाब कैसे बराबर करती है, क्योंकि अब जो खेल में खेलने जा रही है उसमें मेरा मारा होगी तुम्हारी अपनी बीवी काजल। तुम्हारा दिल के बहुत करीब है ना काजल, इसी में बहुत आसानी से वो तुम्हारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तुम्हारा क्या है ना काजल, लेकिन अब निहारिका का हथियार। बहुत तकलीफें दी हैं तुम माँ बेटा ने, लेकिन अब तकलीफें झेलने के बारे तुम्हारी। सो गेट रेडी अंतरिक्ष राय सदा, गेट रेडी।